दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एमसीडी सदन में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। एमसीडी सदन में मौजूद सभी पार्षदों ने वोट डाल दिया है। कांग्रेस के पार्षद वोटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। मेयर शैली ओबराय ने भी अपना वोट डाला है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, यदि कांग्रेस के पार्षद अब वोटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। वैसे एक पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की थी, तो क्या वो भी आज शामिल हुई है नहीं हुई है, और शीतल जिनका नाम था, तो ये एक प्रश्न है। लेकिन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 250 आप जानते हैं सदस्य हैं, जिसमें अगर कांग्रेस के 9 के 9 नहीं डालते हैं वोट, तो 241 वोट पड़े होंगे, और अगर एक ने डाला होगा, ये संभावनाओं की बात करें, तो 242 वोट पड़े होंगे। अब इनकी गिनती, और ये भी आप जानते हैं कि प्रेफरेंसेस के आधार पर जो है इसका फैसला होता है, तो इंतजार करना होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी वोटिंग को लेकर सदन में 22 फरवरी की रात क्या हुआ था सभी ने देखा, लेकिन शुक्र है आज शांत तरीके से ये वोटिंग पूरी हो चुकी है। एमसीडी सदन में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्टैंडिंग कमेटी में आप जानते हैं 18 सदस्य होते हैं, 6 इसी सदन से चुनके जाते हैं, 12 जोन से आते हैं। तो किस जोन में कौन सी पार्टी मजबूत है, यानी कि उस जोन के पार्षदों में वार्ड्स में कौन जीता है, उसका गणित बड़ा दिलचस्प है। 12 जोन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें आपके पास सेंट्रल दिल्ली आ जाता है, सदर पहाड़गंज आ जाता है, उसके बाद सिविल लाइन आ जाती है, करोल बाग, केशवपुरम, नजफगढ़, नरेला, नॉर्थ शाहदरा और रोहिणी हुआ, साउथ शाहदरा, साउथ और वेस्ट शामिल होते हैं। अब इसमें बड़ी मज़ेदार बात यह है कि कुछ जगहों पर बीजेपी स्ट्रांग है पहले से ही, जैसे शाहदरा दक्षिण हुआ, शाहदरा उत्तरी हुआ, केशवपुरम और नजफगढ़, यहाँ पर बीजेपी के पास बहुमत है, यानी कि यहाँ पर इनका जोन अध्यक्ष जरूर बन जाएगा। लेकिन जो एल्डरमैन नामित हुए हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, जो एलजी ने नियुक्त किए हैं, और उस हिसाब से अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो वो भी हम आपको सुनाएंगे। और नरेला जोन, सिविल लाइन, और यहाँ पर जब उसके बाद अगर हम बात करें तो सेंट्रल जोन, यहाँ पर एलजी ने यहाँ से जो है एल्डरमैन नियुक्त किए हैं, तो इनको जोन में वोटिंग का अधिकार है। यहाँ पर अगर बीजेपी का अध्यक्ष बन जाता है, और सदन में 6 में से 3 पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारे हैं, यानी कि, और आम आदमी पार्टी ने 4 में, अब एक का हारना तय है, तो यहां से अगर 3 जीत जाते हैं इस सदन से, तो बीजेपी का नंबर हो जाएगा 18 में से 10, और 10 का मतलब है कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो है वो बीजेपी का बन जाएगा, और इसी के लिए सारी जद्दोजहद हो रही है। ये तो गणित है जो हम आपको बता रहे हैं संभावनाओं के आधार पर। और तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। तरुण, अच्छी बात यह है कि बिना किसी विवाद के वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब एक सवाल, ये खबर आई कि कांग्रेस ने वोट नहीं किया है, तो वो जो क्रॉस वोटिंग और एक पार्षद का जिक्र हो रहा था शीतल का, क्या उन्होंने भी वोट नहीं किया, क्या अपडेट है उनके बारे में? मेयर, डिप्टी मेयर के इलेक्शन के अंदर जिस पार्षद ने, उनका नाम शीतल है, वो छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के आयानगर वार्ड से है, उन्होंने वोट किया है। किसको किया है ये संकेतों में ही समझा जा सकता है, क्योंकि जो बढ़त है वो बीजेपी को वोट के अंदर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 113 का हेड काउंट था, उसके बावजूद बीजेपी को मेयर इलेक्शन में भी 116 वोट मिले थे, और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के अंदर गौतम गंभीर के वोट ना डालने के बावजूद बीजेपी के डिप्टी मेयर के उम्मीदवार कमल बागड़ी को भी एक वोट मिले थे। लिहाजा संकेत इसी बात के हैं, चूंकि ये पूरी एनोनमस वोटिंग होती है और सामने से बयान भी सामने नहीं आया, लगातार हम शीतल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तथ्य बिल्कुल साफ है कि पार्टी लाइन से अलग हटकर मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की एक पार्षद शीतल ने, जो कि छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के आयानगर से वार्ड से जीती हैं, उनके पति पहले वेदपाल इलाके से पार्षद थे, वुमेन सीट हो जाने के बाद उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को लड़ाया, और कांग्रेस जो 9 सीटें जीती थी, 9 के 9 पार्षद अब्सटेन रहे मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन में, ये निर्देशित किया गया था पार्टी मुखिया दिल्ली के चीफ अनिल चौधरी की तरफ से, लेकिन उसको धता बताते हुए क्रॉस वोटिंग अलग पैमाना है, लेकिन यहां पर पार्टी लाइन का सीधा उल्लंघन मेयर पार्षद।
ने किया है और स्टैंडिंग कमेटी के चुनावों के अंदर कुल 250 में से 242 वोट पड़े हैं। 8 एब्सेंट जो थे कांग्रेस के पार्षद थे, एक पार्षद एब्सेंट नहीं था, उसका नाम शीतल है। ये बड़ी बात आपने बताई। हालांकि पवन सहरावत का भी जिक्र हुआ था कि मेयर में तो नहीं लेकिन डिप्टी मेयर में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। तरुण, ऐसी भी बात सामने आई थी जीना? यहाँ पे क्रॉस वोटिंग को आपको कैलकुलेट ही नहीं करना है। जो एब्सेंटी थे उनके नाम मेयर ने अपनी चेयर से बुलाए, सिर्फ शीतल का नाम नहीं बुलाया जो कि कांग्रेस पार्टी की पार्षद हैं। लिहाजा इसके अंदर कोई शक सुबह नहीं है कि जो एक फालतू वोट गया है, यानी कि 250 का हाउस था माइनस कांग्रेस के 9 करते तो 241 का वोट डालना चाहिए था। 8 के नाम मेयर ने पढ़े हैं कि ये एब्सेंट हैं, एक का नाम नहीं पढ़ा है, शीतल का नाम नहीं पढ़ा है, तो ये क्रॉस वोटिंग नहीं है बल्कि ये पार्टी की लाइन की सीधी अवहेलना है। जो ना सिर्फ एक मेयर का इलेक्शन, ना सिर्फ डिप्टी मेयर का इलेक्शन बल्कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के अंदर भी पार्टिसिपेट करके शीतल ने पार्टी लाइन का सीधा उल्लंघन किया है है कि किस पार्टी को उनका वोट गया होगा। ये तो ठीक है, शीतल वाले पहलू पर बात हम कर रहे हैं। कोई हलचल, कोई नेता है तो आप जरूर इशारा कीजिएगा। तरुण, जो मेरा सवाल था वो ये था कि हम पवन सहरावत का जिक्र कर रहे थे सुबह, जैसे वो बीजेपी में शामिल होते हैं और ये माना गया कि डिप्टी मेयर के चुनाव में उन्होंने अपने पार्टी के खिलाफ वोट किया है। अब नंबर्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जोन के हिसाब से। ये मान के चले कि ज्यादा से ज्यादा जोन्स में बीजेपी अपना जोन अध्यक्ष बनाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है और अगर यहां पर भी वो 3 सीटें जीत जाती है तो फिर तो स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष उसका बनना तय है। जीनत, बिल्कुल इसकी जानकारी दी है कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर किसका वर्चस्व होगा, तो आंकड़ों में 10-8 का रेशो बनता है। 10 के ऊपर बीजेपी खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है संभवतः, और 8 पर आम आदमी पार्टी संभवतः खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई अप्रत्याशित नतीजे सामने नहीं आए कि मान लीजिए क्रॉस वोटिंग बीजेपी के खिलाफ हो जाए, तो जो आम आदमी पार्टी के चारों कैंडिडेट हैं वो जीत जाएंगे। प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है और अगर आम आदमी पार्टी का चौथा जो उम्मीदवार हारा तो इसमें भी कोई छुपी हुई बात नहीं है कि वो हारेंगी रमिंदर कौर, हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से, और इनके पति जगदीप हरिनगर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनका टिकट काटा गया था और राजकुमारी ढिल्लों को टिकट दिया था आम आदमी पार्टी ने और वो जीत गई थी। लिहाजा शायद हो सकता है कि वो पार्टी के अंदर जगदीप अभी भी बने हुए हैं, इसका सिला उनको मिला कि पार्षद का टिकट उनकी वाइफ को दे दिया गया और उनकी वाइफ जीत कर आई और पार्टी की वो चौथी कैंडिडेट हैं। आम आदमी पार्टी के 3 कैंडिडेट आमिल मलिक, सारिका चौधरी, मोहिनी जीपाल, इन तीनों का स्टैंडिंग कमेटी में जाना लगभग तय है। रमिंदर कौर का चुनाव फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी तीसरा उम्मीदवार जिता लेती है तो रमिंदर कौर के जीतने की संभावना बहुत कम है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं कमलजीत सहरावत, गजेंद्र दराल जो कि इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे बाद में बीजेपी में आ गए, और पंकज लूथरा। पंकज लूथरा का फंसेगा तो फंसेगा चुनाव, लेकिन संभावना पंकज लूथरा के ही जीतने की ज़्यादा है। प्रेफरेंशियल वोटिंग के अंदर जो वोट का वैल्यू है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी बहुत कंफर्टेबली उसको अचीव कर सकती है इन कंपैरिजन टू आम आदमी पार्टी। ये कैलकुलेशन उस लिहाज से करें, अगर थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में समझाएं तो 242 ने वोट किया है तो 242 को अगर हम डिवाइड कर लें 7 कैंडिडेट से, चूंकि 7 नॉमिनेशन आए हैं तो जो वैल्यू बनेगी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी को जितवाना है। लेकिन आम आदमी पार्टी 134 सीटों पर खड़ी है और जो वैल्यू बनती है वो 150 के ऊपर बनती है, 150 के आसपास बनती है, लेकिन बीजेपी के पास जो वैल्यू अचीव करनी है उसके लिए उसको कम संघर्ष करना पड़ेगा। लिहाजा बीजेपी के कैंडिडेट को बढ़त मिल सकती है। पंकज लूथरा तीसरे स्टैंडिंग कमेटी के बीजेपी की तरफ से सदस्य चुने जाएंगे, ना कि चौथी सदस्य रमिंदर कौर, इसी और संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ही देर के अंदर लंच के बाद जब वोटिंग शुरू होगी, काउंटिंग शुरू होगी, उसके अंदर नतीजे अगर 3-3 का रेशो बनता है तो ये सीधा संदेश है कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बीजेपी का परचम एक बार फिर से लहराने जा रहा है।
फिर तो बड़ा महत्वपूर्ण ये होगा तरुण कि हमने देखा था पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चार नेताओं को जिम्मेदारी थी 12 जोन्स को बांटा था चार नेताओं के बीच में, जिसमें जिक्र हुआ था आदिल खान का, सौरभ भारद्वाज का, उसके बाद हमने दुर्गेश पाठक का भी देखा था और फिर आतिशी का भी जिक्र हुआ था। मैं आपके पास आऊंगी, बलराम हमारे साथ जुड़े हैं, तरुण आपसे मैं बातचीत करूंगी, एक बार अंदर सदन में क्या हो रहा है वो भी एक बार जानना जरूरी है। बलराम, क्या अपडेट्स आ रही हैं, जरा जल्दी से बताइएगा। समाप्त हो चुकी है और 10 मिनट का ब्रेक अब और ने दोनों दलों से तीन तीन पार्षदों को बुलाया है और कहा है कि जो पार्षद वो नहीं आएंगे, जो प्रत्याशी नहीं है वो यहां पर आए, और बीजेपी की तरफ से भी तीन पार्षदों को बुलाया गया, अपनी पार्टी की तरफ से भी तीन पार्षदों को बुलाया गया है और उनकी निगरानी में जो काउंटिंग प्रक्रिया है, जो मतगणना प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है और कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे कि आखिरकार किसका जो सदस्य है वो जीता है, किसका सदस्य हारा है, क्योंकि 7 लोग में है और 6 लोगों को चुनाव, ऐसे एक प्रत्याशी का हारना तय है। अब वो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का होता है या भारतीय जनता पार्टी का होता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज जिसका प्रत्याशी हारेगा वो कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव में पीछे हो जाएगा। थोड़ी सी आवाज में दिक्कत हो रही है आपके, हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तरुण जो मेरा सवाल आपसे था, आम आदमी पार्टी ने नतीजों के बाद से ही 12 जोन जो हैं दिल्ली के उसमें चार बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लगाई थी, जिसमें मैंने नाम भी लिया, चाहे उसमें आतिशी का जिक्र करें, दुर्गेश पाठक हो या फिर आदिल खान हो, इनके लिए भी बड़ी चुनौती है। तरुण आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद थोड़ी सी आपकी आवाज अब आ रही है। हाँ हाँ तरुण, मेरा सवाल यह था कि आम आदमी पार्टी ने चार नेताओं को 12 जोन में जिम्मेदारी दी थी, जैसे आदिल खान को सिविल लाइन रोहिणी और नजफगढ़ की, उसके बाद नरेला केशवपुरम और पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज को दी जाती है, उधर दुर्गेश पाठक का जिक्र करें तो सदर करोलबाग और शाहदरा नॉर्थ की, और आतिशी का तो सेंट्रल साउथ और शाहदरा साउथ की जिम्मेदारी उन्हें दी गई, तो इन नेताओं का भी तो रिपोर्ट कार्ड फिर तैयार होगा कि इनके जोन में जो जिम्मेदारी मिले इन्होंने क्या परफॉर्म किया। देखिए, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिम्मेदारी दी है तो एक अधिकार अगर दिया है तो जिम्मेदारी भी सुनिश्चित सीएम अरविंद केजरीवाल बखूबी करते हैं, और ये जो चार के चार नेता हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक और आदिल, ये पार्टी के बड़े कॉन्फिडेंट लोग हैं, लिहाजा ये रिपोर्ट देंगे, ये अपनी रिपोर्ट नहीं देंगे बल्कि कहाँ पर कमी रही। हालांकि जो इनको जिम्मेदारी दी गई है वो कोऑर्डिनेशन की दी गई है कि एमसीडी की वर्किंग समझने के अंदर आला कमान के जो निर्देश हैं उसके तहत कार्रवाई की जाए, ये उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो हार के कारण ढूंढें और एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके मुखिया को दें। जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, पहली पार्षदों की बैठक शाह ऑडिटोरियम के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ली थी, तो वो उनको गुड़ देने के लिए दी थी कि एमसीडी की वर्किंग के अंदर पार्टी का ये संकल्प पत्र है, ये 11 मुख्य वादे हैं जो हमने किए हैं, किसी को भी भ्रष्टाचार नहीं करना है और कोई भी पार्षद इतना अति आत्मविश्वास में ना आ जाए कि अपने विधायक को ही वो चुनौती देने लगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखने के लिए आता है कि पार्षद को लगता है कि अब मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ और पार्टी के जो मौजूदा सिटिंग विधायक हैं उनकी काट करनी शुरू कर देते हैं या फिर टसल होता है दोनों ही नेताओं के बीच में, ऐसे में पार्टी की ही छवि खराब होती है और किसी ने भी अगर भ्रष्टाचार किया तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये गुड़ देने वाली एक मीटिंग थी और पार्टी की कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से बन पाए, ना कि हार के कारणों के नतीजे यहाँ पर जानने की कोशिश के लिए इन चार लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन तरुण, एक चीज तो है ना, तरुण एक चीज तो है, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ तरुण, ये जरूर कहा गया था कि पार्षदों से आप कोऑर्डिनेट कीजिए, पार्षदों के संपर्क में रहिए, ये बात तो कही गई थी। अगर अब सिर्फ मैं नरेला को ही देख लूं और नरेला से ही अगर एक पार्षद जाके बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है तो क्या इस पर सवाल नहीं होंगे, क्या कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं हुआ, क्योंकि अंत में तो आप नतीजा ही देखेंगे ना कि आपके पास कितने जोन्स आ रहे हैं, नंबर्स क्या हैं।
देखिए, आपने इशारा तो सही किया है कि पार्टी को इंटैक्ट रखना, और अगर सहरावत के अंदर कुछ ऐसे बागी तेवर अख्तियार उसने किए थे तो रातों रात उसके मन में परिवर्तन नहीं आया होगा, लिहाजा कुछ ना कुछ ऐसा डायलॉग ज़रूर हुआ होगा जिससे कि उनको पार्टी आला कमान तक ये फैसला लेने से पहले उन्होंने बता दिया हूँ। तो कुछ भी संभावित है, और ये पार्टी की इंटरनल वर्किंग है कि क्या कारण रहे कि पवन सहरावत ने, और ये भी बात बहुत रोचक है कि उनके एक वोट भर से जो नरेला जोन है वहाँ पर बीजेपी एज पर आ गई है, जो कि पहले बराबरी का खेल था, एल्डरमैन की भूमिका होने के बावजूद बराबरी का खेल था। लिहाजा ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है जिसको शायद आम आदमी पार्टी को कमतर नहीं लेना चाहिए। चुनावों के अंदर भी आम आदमी पार्टी के कई जो उम्मीदवार हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उनको ऐसा लग रहा था कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ज़्यादा उनको प्रचार में अपनी ताकत झोंकने की ज़रूरत ही नहीं है, सीएम अरविंद केजरीवाल का चेहरा उनके पास है। लेकिन माइक्रो लेवल के ऊपर जो खेल बीजेपी ने खेला वो नतीजों के अंदर सीधा रिफ्लेक्ट हुआ है। और उसके बाद आप देखिए कि पहले दुर्गेश पाठक के एक सर्वे सर्वा थे प्रभारी के तौर पर, वो एमसीडी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब उनकी जो भूमिका है वो एक चौथाई कर दी गई है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर उनको जोन्स दिए गए हैं, उनके साथ तीन लोग और ज़्यादा अटैच कर दिए गए हैं। तो ये भी आप संकेत के तौर पर देख सकते हैं कि पार्टी ने और ज़्यादा अपने सीनियर लीडर्स को लगाया है, ताकि बेशक चुनावी नतीजे उनके पक्ष में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं आए, लेकिन बाकी जो आगे की वर्किंग है पार्टी की वो पब्लिक डोमेन के अंदर रिफ्लेक्ट हो सकें। और किसी पार्षद को अगर कोई गुस्सा है, कोई रुसवाई है, पार्टी के किसी डिसीजन को लेकर उसमें अविश्वास है, तो वो कोऑर्डिनेशन, वो समन्वय स्थापित किया जा सके। इन चार प्रमुख नेताओं की यही जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि नरेला की जिसकी जिम्मेदारी थी उनसे ज़रूर पूछा जाएगा, और सीएम अरविंद केजरीवाल इस मामले में गुरेज नहीं करते हैं कि अपने कॉन्फिडेंट व्यक्ति को भी वो सवाल पूछने से छोड़ते नहीं हैं। लिहाजा पवन सहरावत का जाना पार्टी के लिए एक झटका ज़रूर है, और इसका सेल्फ इवेल्युएशन पार्टी को ज़रूर करना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और आपने क्योंकि दुर्गेश पाठक का जिक्र किया तो पहले पूरे एमसीडी के प्रभारी थे और उनके पास सिर्फ तीन जोन रह जाते हैं, सदर, करोलबाग और शाहदरा नॉर्थ। तरुण, आपसे और बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर बता दें, मतगणना शुरू हो चुकी है, यानी कि अब किसे कितने वोट मिले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी है, देखिए ये कभी इतनी चर्चा में रही नहीं एमसीडी में, लेकिन ये इस बार इतनी चर्चा में है, तो हम इजी वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल स्टैंडिंग कमेटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इसके लिए इतनी मारामारी हो रही है। आप ये समझिए कि दिल्ली में 12, दिल्ली को 12 जोन में बांटा गया है, एमसीडी को 12 जोन में। मिसाल के तौर पर आप एक जोन ले लीजिए और वहां पर कुछ पार्षद हैं जिसमें यह देखा जाएगा कि आपके कितने हैं और बीजेपी के कितने हैं, कांग्रेस का कितना है, यानी कि जिसके ज्यादा पार्षद वहां पर वो अपने जोन का अध्यक्ष बना लेगा। अब होगा ये कि 12 जोन में से जिस पार्टी के ज्यादा अध्यक्ष होंगे वो एक बात, दूसरी ये कि यहां सदन में 6 सदस्य चुने जाने हैं, 6 में से बीजेपी की कोशिश ये है कि वो 3 पर जीत जाए। अब 7 में वो पहले से मजबूत है उन 12 जोन में से, और 3 में अगर वो यहां पर जीत जाती है तो 10 हो जाएंगे, यानी कि 18 में से 10 अगर उसके पास हो जाते हैं सदस्य, तो इसका असर ये होगा कि स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बीजेपी का बनेगा, यानी कि इक्वल टू मेयर, और वही सिचुएशन जो दिल्ली में मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में है। तो कमोबेश ऐसी स्थिति, और पवन सहरावत के आने के बाद ये नंबर डिस्टर्ब हुआ है। बलराम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, सदन में काउंटिंग शुरू हो गई है, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जीनत, सदन के अंदर काउंटिंग शुरू हो गई है, और दोनों दलों से तीन तीन पार्षदों को महापौर ने बुलाया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पार्षद प्रत्याशी है स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के लिए वो नहीं आएंगे, अन्य पार्षद आएंगे। तो तीन तीन पार्षद दोनों दलों से इस वक्त मौजूद हैं, और उनके सामने जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो काउंटिंग कर रहे हैं, और काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और कुछ ही देर में जो रिजल्ट है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार किसका प्रत्याशी हारा और किसका प्रत्याशी जीता। क्योंकि 7 लोग चुनाव मैदान में हैं, 7 सदस्य चुनाव मैदान में हैं, ऐसे में 4 सदस्य जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में हैं, और 3 जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं सदस्य के लिए।
तो ऐसे में टकराव की स्थिति है, एक प्रत्याशी का हारना 100% तय है, क्योंकि 6 सदस्य चुनकर के यहाँ से जाना है और 7 सदस्य चुनाव मैदान में उतरे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिसका भी सदस्य आज यहाँ पर चुनकर नहीं जाएगा, जो सदस्य हारेगा वो कहीं ना कहीं पार्टी को एक बड़ा डेंट देगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक सदस्य की जो कीमत है बहुत ही महत्वपूर्ण है और 18 सदस्य कुल स्टैंडिंग कमेटी में होंगे और उन्हीं में से एक चेयरमैन चुना जाएगा। 6 सदस्य हाउस से चुन करके जाएंगे और 12 सदस्य जोन से चुन करके आएंगे, क्योंकि दिल्ली को 12 जोन में बांटा गया है। ऐसे में हर जोन से एक सदस्य चुन के आएगा, लेकिन जिस तरीके से खेल हुआ है और आज जिस तरीके से पवन सहरावत ने बीजेपी का दामन थामा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बीजेपी का पक्ष है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक बात है बलराम, आप रहिए हमारे साथ, हम इस पर और बातचीत करेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे और काउंटिंग शुरू हो गई तो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी नजर रहेगी इस पर, क्योंकि जिसका जोन का अध्यक्ष होगा यानी कि स्टैंडिंग कमेटी का, उसके पास खजाना होगा, सरल सी बात, और मेयर के बराबर की पावर होगी या उससे ज्यादा भी, समझ सकते हैं।